हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं उठ गई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपना फिटनेस मॉर्निंग रूटीन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं उठ चुकी हूँ और उठने के बाद सबसे पहले जो मैंने रात में भिगो के रखे थे आलमंड्स और चिया सीड्स, उनको मैं लूँगी। उसके बाद अपना डे स्टार्ट करूँगी। तो जो चिया सीड्स हैं, सबसे पहले मैं उसमें गर्म पानी ऐड करूँगी और उसको पीऊँगी। सुबह मैं प्रेफर करती हूँ कि तांबे की जो बोतल होती है उसी का पानी पीऊँ। वो बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, पेट के लिए। सो यहाँ पर जो पानी है, मैं हल्का सा उसको गर्म करूँगी माइक्रोवेव में। रख देते हैं अपना ग्लास माइक्रोवेव के अंदर। जब तक हमारा पानी गर्म होता है तब तक मैं एक एप्पल फिर से निकाल लेती हूँ, क्योंकि ठंडा होगा तो थोड़ा सा उसको निकाल के रख दूँगी। योगा पर जाने से पहले मैं एक एप्पल खा के जाती हूँ छोटा सा। सो तब तक ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, जब तक मैं अपने सारे काम करूँगी। और हमारा पानी यहाँ पर गर्म हो गया है। सो अब मैं इसको निकाल करके माइक्रोवेव से इसको जो है इसमें चिया सीड्स ऐड करूँगी और उसको कंज्यूम करूँगी। तो यहाँ पर मैं चिया सीड्स का पानी पी रही हूँ। आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गर्म और निवाया पानी ही पिएं। उससे हमारा पेट अच्छे से साफ़ होता है और ये हमारे स्किन के लिए और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो यहाँ पर जो हम पानी पियेंगे सबसे पहले सुबह सुबह, वो हम मलासना में बैठ के पानी पियेंगे। जैसे हम उखड़ू बैठते हैं, उस पोजिशन में बैठ के हमको पानी पीना चाहिए। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो पानी पीने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं खाऊंगी ये जो बादाम रखे हैं इनको छील करके, और उसके कुछ देर बाद मैं खाऊंगी ये एप्पल। एप्पल खाने के बाद मैं योगा के लिए रेडी हो गई और 10 से 15 मिनट मैंने उसके लिए लिए, और उसके बाद मैं ये पीने लगी हूँ ब्लैक कॉफ़ी। सो ब्लैक कॉफ़ी क्या करता है, अगर आप किसी भी तरह के वर्कआउट के लिए जा रहे हो, ये आपको एनर्जी देता है और फैट लॉस में भी आपकी बहुत हेल्प करता है। सो ब्लैक कॉफ़ी आपको पीनी ही चाहिए अगर आप किसी भी तरह के वर्कआउट के लिए जा रहे हैं। मैं सुबह सुबह योगा जाती हूँ तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी के ही जाती हूँ। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ अपनी योगा क्लास जाने के लिए। उठाते हैं अपना योगा मैट और चलते हैं क्लास की तरफ। सो मेरा जो घर है 15 फ्लोर पर है, और योगा क्लास जाते टाइम मैं सीधा लिफ्ट ना लेकर के मैं 5 से 6 स्टेयर्स लेती हूँ जाते टाइम भी और आते टाइम भी। तो यहाँ पर मैंने स्टेयर्स ली और फिर मैं 8 या 9 फ्लोर पर मैंने जा कर के अपनी लिफ्ट ली है। सो पहुँच गए हैं लिफ्ट पर और लिफ्ट आने वाली है, तब तक मैं वेट करती हूँ लिफ्ट का। आ गए हैं लिफ्ट के अंदर। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरी जो योगा क्लास होती है उसमें फुल सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है। सो इस वजह से मैं चली जाती हूँ, अच्छे से कर लेती हूँ योगा वहाँ पर, लेकिन घर पर तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा इतनी गर्मी में। और घर से योगा तक जाने के लिए काफ़ी परेशानी हो जाती है। सो यहाँ पर मैं बीच से निकल के जाती हूँ सोसाइटी के। जो मेरी योगा क्लास है वो सोसाइटी के अंदर ही है। हमारे इंस्ट्रक्टर आते हैं हमें योग कराने के लिए। सो अगर घूम के जाएं तो धूप नहीं होती है उस टाइम, तो इसलिए मैं बीच से निकल के जाती हूँ ताकि धूप साथ ना लगे। मेरी जो योगा क्लास होती है वो सोसाइटी का क्लब है, उसी के अंदर होती है। यहाँ पर योगा, जुम्बा और एरोबिक्स, जिम सब कुछ होता है। सो मैं योगा जाती हूँ। पहले जिम जाती थी, लेकिन अब मैं जो योगा प्रेफर करती हूँ। सो आप आवाज़ सुनेंगे, एरोबिक्स क्लास चल रही है ऊपर। सो मैं आपको हल्का सा वो भी दिखाऊंगी। एंटर करते हैं और ये देखिए, ये प्यारा सा कितना बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है हमारी सोसाइटी के अंदर। स्विमिंग के लिए भी मैं आती हूँ जैसे ही, मुझे जब भी टाइम मिलता है। एरोबिक्स क्लास के बाद योगा क्लास होती है। मैं 10 मिनट पहले ही आ जाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेचिंग अच्छे से करना चाहती हूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले। सो मैं अपनी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ जब तक कि क्लास ख़त्म होती है।
अब हमारी योगा क्लास चल रही है, फुल हमने कर लिया अपना योगा का वर्कआउट। अब ये एंड में जो कुछ प्राणायाम्स कराते हैं वो चल रहा है। पूरी फुटेज तो मैं नहीं ले पाती क्योंकि सारा फोकस योगा करने पर होता है, सो लास्ट में मैंने थोड़ी सी ऐड करी है। यहाँ पर हम प्राणायाम कर रहे हैं कपालभाति और अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, ये सब करेंगे, तीन चार लास्ट में करते हैं। सो ये एंड चल रहा है हमारे योगा सेशन का। से 1.5 घंटा योगा क्लास करने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर। घर जाने के बाद बहुत सारे काम होते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना, हस्बैंड के लिए लंच बनाना, सो स्टार्ट कर लेते हैं अपना काम जाते ही। और ये है लिफ्ट का नज़ारा। सो अपना वर्कआउट करने के बाद मैं पीती हूँ आधा ग्लास में सत्तू डालकर, सत्तू पाउडर, उसमें थोड़ा सा नमक और नींबू डाल करके मैं पीती हूँ। किसी भी वर्कआउट के बाद हमको ये पीना चाहिए, वो नेचुरल प्रोटीन होता है। और अगेन जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, जाते और आते टाइम मैं स्टेयर्स लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं 4 स्टेयर्स लेती हूँ और स्टेयर्स लेने के बाद ही घर पहुँचती हूँ। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आई होप अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए सो डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। इस टॉपिक पर आप और वीडियो देखना चाहते हैं सो मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में किसी नए दिन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।